इजराइल इस वक्त लेबनान और गाजा में हमले कर रहा है। एक से एक बम वर्षक के जरिए कई इलाकों को उसने खंडहर में तब्दील कर दिया। हमास ने तो सीज फायर को लेकर भी सहमति जता दी थी, लेकिन एक बड़ी जंग शायद मुहाने पर खड़ी है। इस बीच ईरान को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। इजराइल भले ही ईरान पर पलटवार ना कर सका हो, लेकिन ईरान ने फिर से इजराइल पर हमले की योजना बना ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान प्लान कर रहा है कि यदि इजराइल ने उस पर 1 अक्टूबर को किए गए अटैक के जवाब में हमला किया तो क्या एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के ही 4 अधिकारियों का कहना है कि आयातुल्लाह खामेनेई ने सेना को तैयारी करने को कहा है। उन्होंने सेना से कहा है कि वह संभावित स्थितियों के लिए तैयार रहें और इजराइल यदि अटैक करता है तो फिर जवाबी हमला कैसे किया जाएगा, उसे लेकर प्लान पहले से ही बना लिया जाए। इनमें से 2 अधिकारी ईरान की सेना से ही जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा यदि इजराइल ने ईरान के परमाणु एवं तेल ठिकानों पर हमला किया तो फिर युद्ध नहीं रुकने वाला। उन्होंने कहा कि ईरान पर जंग को नए स्तर पर ले जाएगा और इसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व देश आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा भी तैयार कर लिया गया है। यदि इजराइल ने कोई हमला किया तो फिर जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें ही दागी गई थी। अमेरिका समेत तमाम देशों की चिंता सबसे पहले यही है कि यदि युद्ध इस लेवल पर पहुंचा तो फिर तेल की सप्लाई पर असर होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी बाधित हो सकता है। वहीं ईरान का नेतृत्व तो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि यदि इजराइल ने उस पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो फिर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि फिर ईरान सीधा हमला न करे। इस तरीके से 2 बड़ी शक्तियों के बीच सीधी जंग थम जाएगी। बता दें कि इससे पहले चर्चे थे कि इजराइल की ओर से ईरान के तेल एवं परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी थी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, खास तौर पर ईरान के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को फिलहाल सबसे अधिक इसी बात की चिंता है कि अगर उसके तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया तो फिर जवाबी कार्रवाई में उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिर तेल के लिए तरस भी सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपूर्ति इसी रास्तों से होता है। अमेरिका भी शायद इसी बात को लेकर चिंतित है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।